आप कितना जानते हैं यहाँ की क्षेत्र? हाँ, रोर के हम कहे आए ही कि हमरे के भाषा जो है नागपुरी है के, हमरे के भाषा है के खोरठा है के, अनो क्षेत्रीय भाषा हमरे बोली ला, लेकिन रोरे जो बोले थी कि ये भोजपुरी मगही वो के हम बिल्कुल पसंद नहीं करी ला, इसलिए कि हमरे मानकर जितना भी विरासत है भाषा, हर जिला में अलग अलग भाषा है, नौ क्षेत्रीय भाषा, उसके पहले हम इनके लाउर करे के, ताकि हम इन संस्कृति सभ्यता से हम इन आगे बढ़ सकब और जितना हम इनका झारखंड कर विरासत है के वो के आगे बढ़ा सकब। आप हैं, कौन नाम है? मेरा नाम है प्रेम शाही मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जनपरिषद। तो का जो निर्माण किए हैं किस चीज़ को, किन मांगों को लेकर? आज हम लोग आदिवासी और मूलवासी के विभिन्न संगठनों के द्वारा मालो श्रृंखला निकाले हैं। हम लोग अभी ये मालो श्रृंखला विधानसभा तक चल रही है। हम लोग का मांग है कि यहाँ पर जो है स्थानीय नियोजन नीति लागू हो, भाषा नीति लागू हो, कृषि नीति लागू हो, कला संस्कृति खेल का नीति लागू हो और भाषा की नीति भी लागू हो। आपने देखा होगा अभी हाल ही में यहाँ की सरकार बाहरी भाषा को यहाँ पर जो है लागू करने का प्रयास कर रही थी और उसको आनन फान में वापस ले लिया, लेकिन कहीं कहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मांग है कि यहाँ पर स्थानीय भाषा जो नौ क्षेत्रीय भाषा है उसको लागू की जाए, उसके बाद फ्रेंच को लागू करिए, अंग्रेजी को लागू करिए, किसको लागू करिए, क्योंकि ये झारखंड जो है आदिवासी मूलवासियों के बुनियाद पर अलग राज हुआ है। कितने कटे मरे गांव में अभी भी देख रहे हैं कि अभी जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है और अभी भी स्थानीय नियोजन नीति के अभाव में छात्र नौजवान पलायन कर रहे हैं और इन राज्य में दर दर भटक रहे हैं। हमारे माँ बहनें जो है दतुन पते बेचने जा रही है, रांची शहर में अब देखने को मिलता होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, कि हमारी माँ बहन झाड़ू पोछा काम करती है, ये अच्छा लगता है क्या, जबकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आखिर 21 सालों में सरकार ने स्थानीय नियोजन नीति को क्यों नहीं लागू किया? इसलिए नहीं लागू किया, यहाँ जो भी सरकारें बनी हैं हमारे हेमंत सोरेन के साथ साथ अन्य सरकारें जो बनी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टी ने कमोबेश यहाँ पर सत्ता पर स्थापित हुआ, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी है। यहाँ पर माफिया तौत नौकर साह सब आके गलत सलत काम का यहाँ पर नीति बनवाते हैं, इस पर चिंतन करना चाहिए। हम समझते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री चिंतन करने लायक यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है, तो हम ये मांग करना चाहते हैं खतियान के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति लागू हो। साथ ही हमारा जो आंध्र प्रदेश की तरफ संविधान के अनुच्छेद 371 की धारा डी के आधार पर नियोजन लागू हो, ताकि यहाँ पर 100% आदिवासी मूलवासी का नियोजन नियुक्ति हो। यहाँ भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति सभ्यता को यहाँ पर हैम्पर करने का काम किया है, हमारी संस्कृति विरासत को काम किया है। लेकिन जब तक आप सभी विभागों में काम नहीं करेंगे, खेल कला संस्कृति यहाँ पर उसके आधार पर यदि लागू नहीं करेंगे, तो झारखंड की परिकल्पना बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ, तो ऐसे में आप किस आधार पर 1932 का खतियान लागू करने की बात करते हैं? मैडम, यहाँ पर 1932 की खतियान इसलिए मांग करना चाह रहा हूँ कि हमारी खतियान 1908 से चल रहा है, 1884 से हमारी जमीन के आंदोलन चल रही है, ये तो खतियान आज है। तो मेरी मांग है कि अलग अलग जो है जिला में अलग अलग सर्वे हुआ है, कहीं 62 में हुआ है, कहीं 63 में हुआ है, तो हमारी आधार 1932 का खतियान के साथ साथ खतियान होना चाहिए और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर होना चाहिए संविधान की अनुच्छेद 371 डी के आधार पर, ताकि यहाँ पर 100% आदिवासी मूलवासी की नौकरी में भागीदारी हो। करते हैं कि वो किस तरह से जो है इस तरह पक्षपात को रोकेंगे, बल्कि वो तो अन्याय में आगे बढ़ के उनका हिस्सा रहता है, तो ऐसे लोगों का कब्जा है इस राज्य में, ऐसे लोग जो है राजनीति में भी हैं, ऐसे लोग जो है हमारे दफ्तरों में भी बैठे हैं जो हमारे झारखंडियों के साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं। बहुत हो गया, 20 साल बहुत लंबा अवधि होता है देखने के लिए, और अब हम लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया, किसी पार्टी पर भरोसा नहीं रह गया, किसी राजनेता जो आज यहाँ पर बैठे हैं अपना मुँह सिल के बैठे हैं, किस लिए? अपनी वोट की राजनीति देख रहे हैं, और हमारा जो नुकसान वो होता हुआ उनको नज़र नहीं आ रहा है। क्या वो पुल पुलिया और क्या सड़क डैम बनवाने के लिए वहाँ बैठते हैं कि नीति निर्धारण करने के लिए और कानून बनवाने के लिए बैठते हैं? मगर जो सारी नीतियाँ जो हैं वो बाहरियों के लिए बन रही हैं। तो अब बहुत हो गया, हम जो विरोध का सिलसिला हमारा शुरू हुआ है, झारखंड आज इस आक्रोश में जल रहा है, हर उस प्रमंडल में ये विरोध का स्वर उठ रहा है और लोग
सड़क पे उतर रहे हैं। आज का ये मानव श्रृंखला सरकार को अल्टीमेटम है कि अगले हफ्ता 10 दिन में अगर हमारे लिए जो फैसले नहीं हुए सही तरीके से, नीति निर्धारण नहीं हुआ, गलत फैसलों को अगर नहीं रद्द किया गया तो फिर हम लोग झारखंड विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ऐसे लोगों को ऐसी पवित्र जगह में बैठने का अधिकार नहीं है और आने वाले वक्त में हम ऐसे लोगों की राजनीति भी बंद करेंगे, उनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। ये हम अपने झारखंडियों की नीति बन रही है ये। और जो है इसके अलावा भी अगर तो बात नहीं बनेगा तो हमारा जो है आंदोलन लगातार चलेगा, सड़क जाम होगा और जो भी है ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग तब तक दम नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे जब तक कि हमारे झारखंड के लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाते हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना बना और वहाँ की सरकार ने अगले 30 साल के लिए अपने निवासियों के लिए सरकारी नौकरियां लॉक कर दी। आप हर दूसरे तीसरे, अभी मध्य प्रदेश की सरकार भी जो यहाँ का बवाल देख कर के वो भी घोषणा कर रही है कि हमारे राज्य में नियोजन हमारे मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, संसाधन का उपयोग हमारे लोगों के लिए होगा, इस राज्य के लिए होगा, ना कि बाहरी लोगों के लिए होगा। बिहार भी ये घोषणा कर चुका है अभी 10-12 दिन पहले कि बिहार में नियोजन बिहारियों के लिए। तो झारखंड क्या खुला चारागाह बना दिया है यहाँ की सरकारों ने, इसको एक अखाड़ा बना दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी आए अपनी मनमानी कर ले और जो भी आए आके यहाँ पर घास चर ले। अब ये नहीं होगा, अब हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब ये सिलसिला हम लोगों को रोकने की हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। झारखंड निवासी होने के नाते ये हमारा अधिकार। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।